मत्ती ग्रंथ शुभ वर्तमान अध्याय 25 वाक्य 40 में हम पढ़ते हैं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए किया। सभी क्रिस्तीय विश्वासी महा उपवास काल में प्रवेश किए हैं। इस काल हमारे लिए मन परिवर्तन का, नया जीवन का, अपने पापों के प्रायश्चित पश्चाताप करने का, आप प्रभु के साथ रहने का सु अवसर है। आज हम कुरेनी निवास सिमोन यीशु के क्रूस उठाने में सहायता करते हैं, इसके बारे में मनचिंतन करते हैं। सिमोन एक साधारण व्यक्ति थे, इसलिए उसने यीशु के क्रूस उठाने में मदद करते हैं। सिमोन का यह कार्य हमें यह आह्वान देते हैं कि हम दूसरे के आवश्यकता में मदद करना हम सभी क्रिस्तीय भाई बहनों का कर्तव्य है। यह महाउपवास काल इसी प्रकार हमें पुण्य कार्यों के लिए हमें चेतावनी या प्रचोदन देते हैं। अगर हम कितना ही कठिन उपवास और तपस्या करें, बल्कि पुण्य कार्यों में या पुण्य कार्य करने में असमर्थ हो गया हो, तो इस उपवास काल हमारे लिए नए जीवन का, मन परिवर्तन का, आप प्रभु के साथ रहने का काल नहीं, बल्कि ये उपवास काल एक रीति रिवाज होगा। प्यारे भाइयों बहनों, इस महा उपवास काल में दूसरों पर ईश्वर का उपस्थिति पहचान कर अपने जिंदगी के सलीब को आनंदपूर्वक वहन करने के लिए पारस्परिक प्रेम और त्याग के मनोभाव से जीवन बिताने के लिए पिता परमेश्वर से हम कृपा मांगे। सबको जय शुभ।